दोस्तों, हमारे पास ये मोटर आ चुकी है जो कि इस पेंटी कंपनी की है, जो सिंडा वालों की है। इसमें नए नए नाम आ रहे हैं, तो आज हम आपको दिखाएंगे। इसमें पावर नहीं आ रही है, तो दोस्तों जब पावर नहीं आती है तो क्या करते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये रहा इसका स्विच। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए इसे लगा लेते हैं। सबसे पहले 16 एम्पीयर का स्विच दोस्तों, चलिए अब हम इसे करते हैं। ये देखिए ऑन, ये देखिए किसी भी तरीके की पावर सप्लाई नहीं आ रही है दोस्तों इसमें। तो देखिए बिल्कुल मोटर वर्क नहीं कर रही। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे करते हैं ऑफ और इसे प्लग में से निकालते हैं, सॉकेट में से प्लग को। और सबसे पहले दोस्तों जब ये वाली मोटर आवे, इस तरीके का स्विच लगा होता है, तो इसे स्विच को देखते हैं कि क्या कमी है। तो चलिए इसे खोलते हैं हम। इसे खोलने के बाद इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, और ये रही इसकी लीड। और हम इसे पहले चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये देखिए ये ओके है। फिर दूसरा पॉइंट चेक करते हैं कुछ इस तरीके से, और इसमें पावर नहीं देनी, ध्यान रखना है। कुछ लोग पावर से चेक करते हैं, इसे कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से चेक करना है। ये देखिए ये बिल्कुल ओके है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये लेना है, इस तरीके से इसे प्रेस करना है और इधर लगाना है, और इधर देखना है लाइन। ये देखिए ये वर्क नहीं कर रहा। तो चलिए ये भी देखते हैं, ये कर रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट में गड़बड़ है। तो देखिए दोस्तों इसमें काफ़ी कार्बन है, जिसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा है। इसे पकड़ लेते हैं हम। इसमें ये देखिए ये कागज़ का टुकड़ा निकला है जो कि चला गया होगा किसी कारण। चलिए हम इसे पॉइंटों को सही करके साफ कर लेते हैं, पेंचकस से आसानी से साफ हो जाते हैं। अब देखिए फिर इसे प्रेस करके देखते हैं हम कि ये काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए ये अभी भी काम नहीं कर रहा। ये देखिए अब करने लगा है, ये ठीक से नहीं दबा था। ये देखिए और ये वाला भी देखिए। चलिए हम इसे कर लेते हैं बंद, और फिर आपको इस मोटर को चेक करके दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, उससे पहले आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही नई नई टेक्निकल वीडियो एचडा मोटर और F4 मोटर और सिंगल नीडल डबल नीडल सब मोटर, हर प्रकार की मोटर आपको रिपेयर करके दिखाएंगे, ताकि आप भी सीख सकें। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले इसका प्लग लगाते हैं सॉकेट में, इसे ऑफ ही रखना है हमें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए तो चलिए दोस्तों अब हम इसे करते हैं ऑन। ये देखिए पावर आ गई है। देखिए दोस्तों पावर आ चुकी है, मोटर भी वर्क कर रही है। ये देखिए दिखाता हूँ आपको तो मोटर किस प्रकार वर्क कर रही है। ये देखिए पावर भी ऑन है, तो भी हम ऑफ करके भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए ऑफ हो गई, अभी ऑन होगी। ये देखिए ऑन भी होगी। तो चलिए दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप देख पाएं, आने वाली जो भी नई नई टेक्निकल वीडियो है। और आपका बहुत धन्यवाद और शुक्रिया भाइयों।